आपका नाम? शिक्षेंसा। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई है? मैंने तो कम से कम 25 साल हो गए। आप इतने लंबे समय 25 सालों से डेरा से जुड़ी हुई है और लगातार डेरा में आती रही है, क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जो कि गलत हो? कुछ नहीं देखा ऐसा, कुछ नहीं ऐसा देखा। महिलाओं को लेके कितनी सेफ्टी है यहाँ पे? यहाँ इतनी सेफ्टी है, इतनी सेफ्टी तो बाहर भी नहीं सेफ्टी है जितनी यहाँ सेफ्टी है। मैं पहले भी बोल पड़े, अब दोबारा बोल रही, मेरी सर्दी यही हुई, मैं यही रहती हूँ, ज़्यादा करके ही सेवा करती हूँ, कम बहुत कम जाती हूँ घर पर। और मैं फिर भी यही कह रही बार बार, ये जो बाहर वाले पिताजी पे इतना लाजम उठा रहे ना, आज तो ये झूठ बोल रहे, इन पर कल को सच भी नहीं बोला जाना पे का। मैं देख रही हूँ आज यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पे, किस लिए? ये मेरे गुरु के प्रति जन्मदिन है गुरु जी का। मैम मैं देख रही हूँ यहाँ पे इतने लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस लिए यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई आज? ये बेटा खूनदान कर रहे, ये अपने जो हम खूनदान करते हैं ना, हमारे पिताजी ने हमारे गुरु जी ने बोला था कि बेटा खूनदान करो, जो अंदर बीमारी है वो तो सारी भाग जाएगी, नया खून आ जाएगा और अच्छे तंदुरुस्त होंगे, कोई बीमारी नहीं आने की। क्या आप भी खूनदान करती हैं? हाँ मैं आपके 5 बार खूनदान करूंगी, 4 बार खूनदान कर दिया मैंने। आप एक महिला हैं और महिलाओं के अंदर ये भ्रम फैला हुआ है कि खून देने से कमजोरी आती है, और क्या 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 महसूस करती हैं? आगत आती है, आत्मबल आता है, कुछ नहीं है ऐसा, और यहाँ से तो बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, और खून देगा तो ऐसे छलंगा मारते जाते हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो यहाँ। ये जोश, इतना जोश इस चीज को लेके, जैसे कि खूनदान करना, लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, और जहाँ की लोग अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी खून देने में कतराते हैं, वहीं यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये क्या है इसके पीछे, क्या बात है? ये बात ये है, जो गुरु जी का वो सिस्टम ये खूनदान का चला था ना, और गुरु जी ने कहा था बेटा खूनदान करो, हम तो उसके वचनों पर चल रहे, यानी कोई एक एक अपने माँ बाप की तो कोई मानता नहीं, और ये तो गुरु है, किसी को भी पूछ कर देख लो तुम किसके पीछे फिरे, सिर्फ क्या कहेंगे अपने गुरु के, अपने पिताजी के पीछे फिरे और किसी के पीछे नहीं फिरे। ये गुरु है, जब दुनिया में पता लगेगा ना इन पे, तो ये आज हंस रहे इन पर रोया भी नहीं जाने का। ऐसे गुरु की कितनी जरूरत है समाज को? बहुत जरूरत है, बहुत इतना कुछ हो रहा दुनिया में, गुरु जी की इतनी जरूरत है, संत महात्मा तो एक ही है, नहीं तो भाई बहुत है, अगर इनकी तुलना नहीं हो जाती, ये तो एक गुरु खुद खुदा इंसान अपनी आत्मा उन्हें लेना रहे, न गद्दी गुद्दी का कोई चक्कर नहीं है, न नोटो वोटो का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक अपनी आत्मा ने लेना रहे यहाँ से, और इन्हें तो खुद कह ये तो बेटा दुनिया की भलाई करो, कोई तुम्हें कुछ कह रहा, जो कोई तेरे राम है कंटे बो तो फूल बो, उसके फूल तुझे फूल मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं गुरु जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जी। धन्यवाद मैम। देखिए किस तरीके से हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है जिन्होंने बताई हमें डेरा सच्चा सौदा की, और अपने गुरु की सच्चाई कि क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आप भी जरूर वीडियो देखिएगा और बताइए कमेंट्स बॉक्स में क्या राय है आपकी। धन्यवाद।